सादिया के साथ सिखाते अदब हमको, अच्छा बच्चा कैसे बनना है बताते अदब हमको। इतनी गर्मी है और इतनी प्यास लग रही है, लेकिन कहीं पानी नहीं मिल रहा। तुम्हारा शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगी और प्यास भी। ओहो, कितना अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। ये तो पहले पानी नहीं मिल रहा, ऊपर से ये बिल्ली आ गई। पता नहीं आजकल इंसानों को क्या हो गया है, हम परिंदों का कोई ख्याल ही नहीं है। देख रहे हैं इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम कुछ पानी ही हम परिंदों के लिए रख दें। लेकिन नहीं, ओह उड़ा भी नहीं जा रहा, क्या करूं। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, पानी तो नजर आया। अब आएगा मजा। हिश 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 हिश, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से उड़ जाएगी ये चिड़िया। हिश हिश, अब तो इसे पकड़ ही लूंगा। ओ, कौन है? बाबर भाई, मैं हूँ साद। अरे साद भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया, और देखे आपकी वजह से वो चिड़िया भी उड़ गई। अभी बस मैं उसे पकड़ने ही वाला था। सबसे पहले तो सॉरी कि आप मेरी वजह से डर गए। दूसरी बात यह है कि गर्मी के इस मौसम में हमें परिंदों के लिए अपनी छतों और टेरेस वगैरह पर पानी रखना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि हम उन्हें पकड़ सकें, बल्कि इसलिए कि जैसे हमें गर्मियों में ज्यादा प्यास लगती है, इन परिंदों को भी प्यास लगती है। और आपको पता है कि पानी पिलाना कितने सवाब का काम है? हदीस शरीफ से पता चलता है कि कुत्ते को भी पानी पिलाने का सवाब है। सॉरी साद भाई, आप ठीक कह रहे हैं। इंशाल्लाह अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। जज़ाकअल्लाहु खैरा। प्यारे बच्चों, गर्मी के मौसम में हमारी तरह परिंदों को भी प्यास लगती है। अपने घर की छतों, टेरेस और खुली जगहों पर परिंदों के लिए पानी जरूर रखें, ताकि वो भी अपनी प्यास बुझा सकें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर दर्द जिगर में अजर है। साद और सादिया के साथ सीखें हदीस, सीखें हदीस। बच्चों का मदनी चैनल।